आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Android मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन में अगर इनकमिंग कॉल अगर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे फोन पे जब भी इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में एप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे आपको टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड में ना ये क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में ना ये कॉलिंग का ऐप है ये वाला, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका एक ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू कर लेना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको अगले पेज में इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, तो नीचे पेज आएगा, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।